हेलो गाइस, मैं हूं अशरफ शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो स्पार्क। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं ऑनर का 9X प्रो, एक सस्ता सा फ्लैगशिप फ़ोन जो कि कम रुपए में आपको फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस दे वो फ़ोन। और इस फ़ोन की सबसे बड़ी खूबी कहें या फिर डिमेरिट कहें, यह है कि इसको विदाउट प्ले स्टोर यानी हुआवे ने इसमें अपना ऐप गैलरी यूज किया है HMS। तो चलिए फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या कंटेंट मिला है और फ़ोन का इनहैंड फीलिंग कैसा है। ये हो गया बॉक्स अनबॉक्स। ये मोबाइल हैंडसेट, इसको मैं करता हूँ साइड। ये TPU केस, काफ़ी सॉफ्ट अच्छा क्वालिटी का, फ़ोन को काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा। सिम इजेक्टर टूल्स और फ़ोन का कुछ बुकलेट वगैरह। ये हो गया फ्लिपकार्ट से हमने इसे मंगवाया। अब ये फ़ोन का बिल, ये चार्जर, देखता हूँ चार्जर कितने वाट का है। 10 वाट का आपको चार्जर मिलेगा। और ये टाइप सी टाइप ए का केबल। तो चलिए बॉक्स को मैं साइड करता हूँ और आता हूँ अपने मोबाइल हैंडसेट में। ये है मोबाइल, काफ़ी ग्लॉसी लुक, वाओ, अच्छा फील। मैं सबसे पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये सार वैल्यू, इसका एक बात गौर से आप देखें तो इसका सार वैल्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत कम दिया गया है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये इसका डिस्प्ले, फ़ोन काफ़ी स्लिम है और काफ़ी अच्छा बनाया गया फ़ोन को। एक बार मैं इसका केस डाल के देखता हूँ। ये आप देख रहे होंगे केस में भी एक्स फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखें तो आप एक्स। तो चलिए आप ये देखें कितना प्रीमियम लुक लग रहा, काफी स्टाइलिश फोन। तो चलिए अब फटाफट इसके बटन एंड पोर्ट्स की बात कर लें। तो आपको यहाँ पे 3.5 mm का हेडफोन जैक, एक माइक्रोफोन और टाइप सी का चार्जिंग अडेप्टर पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पूरा क्लीन रखा गया है। और टॉप में एक यहाँ पे एक सेप देख रहे हैं आप, गौर से शायद गौर करें तो ये है इसका पॉपअप सेल्फी, क्योंकि ये पॉपअप सेल्फी इस फोन में यूज किया गया है। और यहाँ पे सिम इजेक्टर और यहाँ पे एक नॉइज कैंसिलेशन माइक। और लेफ्ट हैंड साइड में आए तो वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर ऑन ऑफ बटन। जी हाँ, इसका पावर ऑन ऑफ बटन बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिया गया है, क्योंकि इसके पावर ऑन ऑफ बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर इनबिल्ट दिया गया है। तो चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं और सेटअप करते हैं, फिर देखते हैं कि फ़ोन का यूजर इंटरफेस कैसा है। तो ये मोबाइल आप देख रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है लुक वाइज, देखने में काफ़ी प्रीमियम। फ्रेंड्स, इसका डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.57 इंच का FSD+ डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि है तो LCD, बट ऑनर का क्वालिटी डिस्प्ले का काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले है ये। और इसके बाद फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें क्रीन का 810 प्रोसेसर दिया गया, जो कि फर्स्ट फ़ोन है इंडिया में जो कि क्रीन ने 810 प्रोसेसर के साथ इसको लॉन्च किया है। और बैटरी 4000 mAh का बैटरी दिया गया है 10 वाट चार्जर के साथ। OS की बात किया जाए तो ऑन द बॉक्स आपको EMI 9.0 मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड पाई पे काम करता है, बट कंपनी ने कहा है कि इसको बहुत जल्द एंड्रॉयड 10 पे अपडेट मिलेगा। और फिर सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें सभी सेंसर्स आपको इस फ़ोन में मिलते हैं, जितने भी सेंसर हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर,
पॉपअप सेल्फी वगैरह सभी तरह का सेंसर इसमें आपको मिलेंगे। वीडियो और ऑडियो की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि क्वाइट गुड परफॉर्मेंस वीडियो का क्वालिटी है और ऑडियो का क्वालिटी है। परफॉर्मेंस में इसको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से कंपेयर किया जाए तो स्नैपड्रैगन का 765G का ये कंपटीटर है परफॉर्मेंस में। और कैमरा की बात करें तो सबसे इसका टॉप में आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ डेप्थ सेंसर। फिर आपको मिडिल में मिलेगा 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ मेन सेंसर। और सबसे नीचे में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर f2.4 एपर्चर के साथ। और मैं इसका कैमरा का इंटरफेस का बात करूं तो ये देखिए, जैसे ही हमने ऑन किया यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा का नाइट मोड, अपर्चर, काफ़ी कैमरा में भर भर के फीचर्स दिया गया, एआई का फीचर्स काफ़ी अच्छे से यूज किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो मोर, और जैसे ही मैं इसको फ्रंट करूँगा आप देख रहे हैं पॉपअप यहाँ से निकल गया है। और अंत में मैं इसका प्राइस का बात करूं तो प्राइस आपको अभी अगर आप इसे फ्लिपकार्ट पे परचेज करेंगे तो आपको मात्र ये फ़ोन 13,999 रुपया पे करना होगा इस फ़ोन के लिए। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट का परचेजिंग लिंक आपको दे दूंगा, अगर आपको मन हो परचेज करने का तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं इस फ़ोन को। और अंत में इस फ़ोन का वर्डिक्ट की बात करूँ तो जिसको गूगल प्ले से मैनेज कर सकता है, अगर परफॉर्मेंस कम दाम में परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए विदाउट गूगल प्ले स्टोर को अगर वो मैनेज कर सकता है यूजर्स, तो मैं कहूँगा उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन है ये। हालांकि यूट्यूब आप इसमें इनबिल्ट नहीं चला सकते हैं, गूगल का कोई भी ऐप, बट एक नॉर्मल यूजर नहीं चला सकता, बट ट्रिकी अगर आप हैं तो आप इसमें किसी भी तरह से कोई भी ऐप चला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।